पुरानी यादें भी काफ़ी पुरानी होती है, जिसे कभी देखा जाता है तो कभी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी पुरानी यादों के बीच जो है एक अंबेडकर चौक में दुकान है आपकी, वीडियो सीडी डीवीडी। ये जो रेलवे रोड है अंबेडकर चौक के जस्ट सामने है, संजय वीडियो के नाम से ये है, इन्हीं के जो मालिक है इनसे बात करेंगे। ये कब से ये दुकान चला रहे हैं आप देखेंगे, हमारे विजुअल दिखाएंगे सहयोगी कि पुराने ज़माने में VCR चलता था, उसमें जो बड़ी बड़ी कैसेटें लगती थी। एक हम जब छोटे थे बचपन में, हम सब लोगों ने देखा होगा जो इस वक्त जो है 30-40 साल की उम्र में होंगे, उन्होंने बचपन में खूब VCR किराए पे ले के चलाए होंगे। ऐसी VCR हमें जब एक कैसेटें दिखाई थी तो हमने सोचा कि आप लोगों के भी संज्ञान में डालें इन चीज़ों को। हमारे साथ जो है दुकान के मालिक है, वो अब तक जो है इन यादों को संजोए हुए हैं और उन यादों को ताज़ा करने के लिए आज आंवला डिजिटल मीडिया इनकी दुकान में पहुंचा है। इनसे आज विस्तार से बात करेंगे। भाई साहब बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी ये कब से चला रहे हैं आप ये दुकान? भाई साहब दुकान तो हमने 92 से करी थी बताइए जी, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में सन 84 में पढ़ता था उस टाइम से मुझे पिक्चरों का शौक था, तो मैं VCR वगैरह किराए पे चलाता था। VCR किराए पे चलाते थे। आज भी आपने यादें ताज़ा रख रखी हैं, क्या बात होगी? बस अपना शौक है जी। लोग बाग तो कहते हैं हमें बेवकूफ़ समझते हैं जी, कि भाई इतनी मार्केट में इतनी बढ़िया दुकान लेके और ये CD-VD का काम कर रखा है, थकावा सा काम जी, लेकिन शौक है बस। शौक है। आज जैसे हम लोग देखते हैं कि पुरानी चीजें जब याद बन जाती है तो एक म्यूजियम संग्रहालय जैसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसी संग्रहालय आपने रखा हुआ है, जरा बताएंगे संग्रहालय में क्या क्या चीजें, जरा आप हमें बताइए क्या करके। इसमें पुरानी मूवीज हैं, धार्मिक हैं, फिल्में, रामायण महाभारत भी है मेरे पास। अच्छा कहाँ पर आपने रखा हुआ है रामायण महाभारत? पुरानी फिल्में कहाँ कहाँ पर होंगी? ये तो सारे पुराने फिल्में ही हैं जी, अल्फाबेटिकली लगी हुई हैं सब। अच्छा जी जी जी। ऊपर VCR के नीचे CD वगैरह हैं जी, और देखिए रामायण महाभारत जैसे अब जो अब वो चलती रही हैं, तो इसलिए ये रखी हैं देखिए सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने महाभारत, भोजपुरी फिल्में। अच्छा ये आपने इस डब्बे इसके अंदर रखी है ये अलमारी जैसा जो बना रखा आपने? देखिए रामायण महाभारत सब। अच्छा ये देखिए आप जो है पहले जमाने में 1980 के दशक में रामायण महाभारत आया था, B.R. चोपड़ा का और रामानंद सागर जी का रामायण आया था, B.R. चोपड़ा का महाभारत आया था। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लोग उसको टीवी में देखते थे, और टीवी में अगर छूट जाता था तो उसके जो है पार्ट जो है VCR में देखा जाता था, क्योंकि सबसे पहले जो है VCR ही चला था वीडियो के ऊपर, और उसके बाद जो है CD-DVD ने जो है VCR कैसेटों को सब खत्म कर दिया। फिर अब जो पेन ड्राइव आया, अब CD-DVD का भी जमाना खत्म हो गया, तो धीरे धीरे पुरानी चीजें कैसे खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनको यादों के रूप में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इतनी महंगी दुकान एक तो एट द स्पॉट की दुकान है, और उस पर जो है यहाँ पर इस तरीके की संजो के रखना चीजें एक अपने आप में चुनौती है। तो आपको कैसा लगता है भाई साहब ऐसी यादें रखने में? मुझे तो अपने काम से प्रसन्नता है जी। बाकी ये है कि आज के इस युग में इतनी कमाई मेरी नहीं हो पाती, कमाई नहीं, लेकिन ये है कि अपना परिवार चल रहा है फिर भी। अच्छा सुकून मिलता है, मतलब बस जब तक चल रहा है नहीं तो फिर हम भी कुछ और करेंगे। ये अभी आप कहते कुछ यात्री आए थे आपकी दुकान को देख के बड़ा प्रभावित हुए। हाँ हाँ, मेरे को पता नहीं कहाँ से उसने मेरा एड्रेस ढूंढा, बीकानेर राजस्थान से एक व्यक्ति का फोन आया जी, कि भाई साहब आपके पास VCR की कैसेटें हैं तो मैं सारी ले लूंगा जी। मैंने उसे बताया मेरे पास 2500 कैसेटें हैं, तो उसने कहा मैं सारी ले लूंगा, आप किस रेट दोगे? तो मैंने उसे कहा चल सारी उठा ले, 20 रुपए के हिसाब से। अच्छा हाँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम मुझे कोरियर कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा जी। मैंने भाई कोरियर में तो बहुत पैसे लगते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं भेज सकता, तुम्हें लेनी है तो तुम खुद आ जाओ जी। खैर वो अपनी बेटी के साथ खुद आ गया यहाँ जी जी। तो फिर वो मेरे से लॉकडाउन के बीच में 500 कैसेटे और एक VCR अच्छा अच्छा 15-20 हजार रुपए जो उसने दे दी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने वो आपसे 500 कैसेटे और VCR जो पुरानी याद थी प्लस उसने कोरियर से वो भेजी, 7000 रुपए उसने कोरियर वाले को दिए, कोरियर वालों ने 60-70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कोरियर किया वहाँ। अच्छा उसने फिर यहाँ से लेके कोरियर करवाया अपने एरिया में? हाँ। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में? हाँ। अच्छा इतना जुनून अभी भी लोगों के अंदर हम देखने को मिलता है कि बीकानेर राजस्थान से आया व्यक्ति इनके यहाँ से जो है 400-500 कैसेट और पुराना VCR भी लेके गया। आप कहते मेरे पास जो है पुरानी टेप रिकॉर्डर और कैसेट भी है, वो दिखाएंगे जरा आप हमारे दर्शकों को। आप देखिए VCR से छोड़ो, ये सामने एक वॉशिंग मशीन रखी है जी जी जी, आइए कम से कम 50 साल पुरानी तो ये वॉशिंग मशीन होगी। अच्छा आइए आप भी आइए। अच्छा ये मॉडलर की जो मशीन है। अच्छा ये लगभग नहीं तो 50 साल पुरानी होगी।
अच्छा ये जो है मोजनर की वॉशिंग मशीन चलती थी, अरे बहुत छोटी है ये, पहले बेल्ट से चलती थी। अच्छा पहले बेल्ट से चलती थी, और आप कह रहे हैं आपके पास टेप रिकॉर्डर भी है। टेप रिकॉर्डर है। अच्छा ये टेप रिकॉर्डर है, और इसकी कैसेटें? ये कैसेटें हैं, ये सारी रखी। अच्छा 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 जी ये सब टेप रिकॉर्ड की कैसेटें हैं। अच्छा ये आपने सारी, यहाँ पे आपने वीडियो कैसेटें भी रखी है, वीसीआर की कैसेटें भी रखी है। ये हॉलीवुड मूवीज हैं वीसीआर की कैसेटों में। अच्छा अच्छा जी पहले जमाने में बड़ा जुनून होता था, जरा उस याद को भी थोड़ा आप ताजा करेंगे कि कितने रुपए में आदमी कैसेटें ले जाता था और वीसीआर किराए पर ले जाता था। जब तक मैं वीसीआर नहीं चलाता था भाई साहब, हम खुद वीसीआर लगाते थे अपने मोहल्ले में, तो 10-10 रुपए इकट्ठे करते थे सारे मोहल्ले वाले, और फिर वीसीआर लगा के रात भर 4-4 पिक्चरें देखा करते थे। उस टाइम पे हम भी जब छोटे थे तो 100 रुपए किराए में एक वीडियो टीवी भी मिलता था, कलर टीवी, और वीसीआर भी मिलता था। घर में मेहमान आते थे तो चल वीसीआर लगाते हैं, किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो चल वीसीआर लगाएंगे। जी बड़ा क्रेज था। मैं तो साइकिल पर मैंने नहीं तो 10 साल वीसीआर टीवी धोया है रात भर। अच्छा जब मैं लोगों के यहाँ लगा के आता था, सुबह लेके आता था। जी और उस टाइम मेरे पास अपना नहीं था, मैं कहीं से अरेंज करता था तब आगे लगाता था, तो मुझे स्कूल टाइम में 20-30 रुपए बच जाते थे। जी लेकिन वो सारी जिम्मेदारी मेरी लगती थी कि कहीं से उठाना फिर कहीं लगाना। जी तो बस उस टाइम स्कूल टाइम में 20-30 रुपए बहुत हुआ करते थे। एक कलर टीवी का भी नया दौर चल रहा था, कलर टीवी में पिक्चरें बहुत सुंदर दिखाई देती थी। बिल्कुल बहुत मजा आता था। कलर टीवी में मैं किराए पे लाता था 20 रुपए में पूरे दिन के लिए कलर टीवी। और उसमें फिर वीसीआर अलग से लाता था, फिर कैसेटें अलग। तो लगभग हम भी देखते थे कि 2-3 कैसेटें या 4 कैसेटें लगभग लेते थे। रात भर में 3-4 कैसेटें मिलती थी, 1-2 अपनी ले आते थे और भगा भगा के रात को 5-5 फिल्में देखा करते थे। जी ये हम भी जब युवा थे तो हम लोगों ने भी काफी कलर टीवी जो है किराए पे लेकर, वीसीआर किराए पे लेकर, ये जो वीसीआर की कैसेटें होती थी, ये चौड़ी कैसेटें होती थी, ये इस तरह की कैसेटें हम खूब देखते थे। उस टाइम पे पिक्चरें भी बड़ी चलती थी, बहुत पिक्चर आती थी। बड़ा क्रेज था। कैसी कौन कौन सी पिक्चरें चलती थी आपके जमाने में? उस टाइम जैसे मान लिया ये सोने तो खैर एवरग्रीन आई, दिल हो गया और ये घायल हो गई, ऐसी सनी देओल की फिल्में, ये दोनों एक दिन आई थी दिल और घायल। तो 3-3 घंटे हम किसी को किराए पे जब कैसेट देते थे तो कहते थे 3 घंटे में वापस लाइयो नहीं तो डबल किराया लगेगा। उस टाइम बड़ा क्रेज था क्योंकि उस टाइम मनोरंजन का और साधन तो हुआ नहीं करता था। दूरदर्शन चलता था, दूरदर्शन पे 2 पिक्चरें पूरे दिन भर में आया करती, पूरे हफ्ते में आती थी। आज तो खैर 2400 घंटे केबल चलता है। जी अगर कोई आप आज के दौर में जीते हैं तो आज जी सिनेमा हो गया, सोनी सिनेमा हो गया, कई चैनल हो गए जो टीवी में दिन भर जो है पिक्चरें दिखाते हैं, लेकिन एक दौर था 1980 और 90 के दौर, तब कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, दूरदर्शन मात्र चैनल था, लेकिन पिक्चर देखने या तो पिक्चर हॉल जाओ या घर पे जो है किराए पर जो है वीडियो वीसीआर मंगवा लो और उसमें जो है पिक्चरें देखो, कभी 2 कैसी थे 3 कैसी, रात भर आदमी जो है पिक्चरें देखता था, मनोरंजन का एकमात्र यही साधन था। इस मनोरंजन के उस याद के साधन को हमारे गुप्ता जी ने संजो के रखा है। देखिए आप इनकी दुकान में भले ही ये बहुत नुकसान इनको मिलता है, इस पर कंप्यूटर है मेरे पे, इनमें सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, ये हार्ड डिस्क रखी है, इनमें कम से कम 5000 पिक्चर हैं। अब जो मनोरंजन का साधन बहुत सस्ता हो गया है, बहुत आसानी से आदमी आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन जो पहले साधन थे वो बहुत ही मुश्किल थे, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के आदमी एकजुट करके पैसा इकट्ठा करता था, तब रात भर जो है वो एक दिन टीवी देखता था, कभी महीनों में कभी हफ्तों में। आदमी आपको क्या लगता है महीनों तो महीने में आदमी देख लेता था दोबारा पिक्चर है? नहीं उस टाइम के हिसाब से तो जो फिल्में बनती थी हमारी, वो एक फिल्म अगर रोज करके भी देखे तो पूरी नहीं देख पाता था, पूरी नहीं देख। लेकिन आदमी जैसे आज अगर किसी ने वीसीआर वीडियो रात को बुलाया फिर कितने हफ्ते बाद या महीने बाद वो वीडियो वीसीआर अपने घर पे लाता था? भाई देखो जो जैसे लेबर क्लास लोग हुए जिनके यहाँ, वो तो हफ्ते भर में ही दोबारा मंगा लेते थे। मतलब जैसे एक जिस दिन उनकी छुट्टी रहती थी हर दिन उनका तय रहता था उस छुट्टी वाले दिन वीसीआर टीवी लगाना ही लगाना है, और सब पैसे इकट्ठे करके लगाते थे, बड़ी भीड़ रहती थी उनके घर। और मोहल्ले में हम जैसे बाहर लगाया है तो हमें भी डर रहता था यार रात को कोई पुलिस वाले ना पकड़ ले, वीसीआर टीवी ना ले जा ले, लेकिन हम सेपरेट जगह उसे लगा के आते थे, बाहर सब लोग देखते थे। वैसे बाहर सब लोग देखते थे। हाँ ये भी है, कहीं अगर लेबर क्लास के लोग हैं जहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाती है, 5-5, 2-2 रुपए इकट्ठा करके वो 100 रुपए की पूंजी जमा करके एक टीवी और वीडियो वीसीआर वगैरह कैसेट वगैरह मंगाते रहते थे हफ्ते में अगर छुट्टी पड़ गई तब। ये मनोरंजन के साधन है, किस तरीके से हमने मात्र 30 सालों में डेवलप किया,
दो तीन संचार क्रांतियों ने जो है हमारी इन चीजों को जो है धूमिल कर दिया, लेकिन हमारी यादों में आज भी है, गुप्ता जी ने संजो के रखी है। आप भी कभी अपनी याद को ताजा करें तो रेलवे रोड अम्बेडकर चौक में संजय वीडियो लाइब्रेरी के नाम से इनकी दुकान है और वहाँ आप अपनी यादों को ताजा कर सकते हैं। अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से हूँ, ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।